क्या होगा अगर लूफी ने जिन जिन को अपने क्रू पे इनवाइट करा वो सारे के सारे लोग लूफी के क्रू को ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखो लूफी के जर्नी के शुरुआत से ही उसने बहुत सारे अलग अलग लोगों को अपने क्रू के ऊपर इनवाइट करा था, जिनमें से ज्यादातर टाइम लूफी ने तो भाई वियर्ड दिखने वाली चीजों को भी इन्वाइट करा था। जहाँ पर हम बात करें किनेमोन की, तो अपने लूफी ने भाई किनेमोन के लेग्स को देखा और उसको बोला कि भाई तुम मेरे क्रू को ज्वाइन कर लो। उसने किनेमोन को नहीं बोला था, उसने किनेमोन के लेग्स को बोला था। अगर ऐसा होता कि सारे के सारे लोग ज्वाइन कर लेते तो भाई वन पीस की स्टोरी में काफी बड़े वाले चेंजेस आते हैं। तो चलो एकदम से शुरुआत से शुरू करते हैं। जब लूफी छोटा था तो उसने भाई साबो और एस को बोला था कि मेरे क्रू को ज्वाइन करो। तो इन दोनों के ज्वाइनिंग होने के बाद में लूफी के क्रू के ऊपर ऑलरेडी दो मेंबर हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब साबो की सारी मेमोरी चली जाती है तो वो लूफी के क्रू को छोड़ देगा, मतलब वो लूफी के बारे में ही भूल जाएगा। फिर उसके बाद में लूफी और एस मिलकर अपनी जर्नी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद में उनको सबसे पहले मिलेगा अपना कोबी। लेकिन यहाँ पर कोबी जो है वो ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही भाई पायरेट्स को काफी ज्यादा हेट करता था और उसका सपना जो था वो नेवी में जाने का था। तो मेरे हिसाब से कोबी ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन अगर कोबी लूफी के बोलने के बाद में अपने सपने को छोड़ देता है तो वो भी लूफी के क्रू को आगे चल के ज्वाइन कर लेगा। अब अभी आगे आते हैं जोरो के ऊपर। जब भाई एस और लूफी मिलके जोरो को बचा लेंगे तो भाई जोरो अपने आप ही लूफी के क्रू को ज्वाइन कर लेगा। और इस टाइम लूफी के क्रू के ऊपर एक नेविगेटर की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, जो कि अपनी नामी रहेगी। मुझे पता है कि अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एस जो है वो थोड़ा बहुत नेविगेट कर लेता है, लेकिन इस वाले टाइमलाइन के अंदर एस ने अपनी सोलो जर्नी शुरू नहीं करी थी, इसलिए उसके पास में अपना डेविल फ्रूट भी नहीं रहेगा और ना ही उसको ग्रैंड लाइन के बारे में इतनी कुछ चीजें पता रहेगी, इसलिए उनको जरूरत पड़ेगी नामी की। तो आगे चल के लूफी नामी को अपने क्रू के ऊपर ज्वाइन करने के लिए मना ही लेगा। आगे चल के आर्लोंग को हराने के बाद में लूफी और उसका क्रू एक आइलैंड के ऊपर पहुंचेगा, जहाँ पर उनको गायमोन मिलेगा। वहाँ पर लूफी ने उसको भी अपने क्रू के ऊपर इन्वाइट करा था, तो वो भी भाई फाइनली लूफी के क्रू को ज्वाइन कर लेगा। आगे चल के लूफी और उसका क्रू पहुंचेंगे उसाब के आइलैंड के ऊपर, जहाँ पर सारे पायरेट्स को हराने के बाद में फाइनली अपना उसाब भी लूफी के क्रू को ज्वाइन कर लेगा। अभी ज्यादातर लोग अपने क्रू के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अपने क्रू के ऊपर अभी एक कुक की जरूरत है, जो कि रहेगा सांजी। तो उसके बाद में हम बराटिये पे जाएंगे, जहाँ पर सांजी लूफी के क्रू को ज्वाइन कर लेगा। और सांजी के ज्वाइन होते हम सीधा जाएंगे आर्लोंग पायरेट्स को हराने के लिए, और उसको हराने के बाद में हम सीधा ग्रैंड लाइन में प्रवेश करेंगे। वहीं पर हमको अपना न्यू क्रू मेंबर मिलेगा। और जब लूफी को पता चलेगा कि ओल्ड मैन क्रोकोस एक डॉक्टर है, इसलिए वो उसको भी इनवाइट करेगा और वो भी फाइनली लूफी के क्रू को ज्वाइन कर लेगा। लेकिन अभी अपने पास डॉक्टर भी आ चुका है, तो आगे चल के भाई अपना टोनी टोनी चॉपर अपने क्रू को ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि अभी जब नामी बीमार रहेगी तब अपना ओल्ड डॉक्टर क्रोकस उसको ठीक कर लेगा। क्योंकि भूलना मत, अपने क्रोकस भाई साहब पायरेट किंग के क्रू के ऊपर थे, इसलिए भाई वो काफी ज्यादा बड़े डॉक्टर है। आगे चल के हम विवी और उसके बदक से मिलेंगे। और एलाबास्टा के एंडिंग में जब हम क्रोकोडाइल को हरा देंगे तो अपने क्रू के ऊपर तीन न्यू मेंबर्स ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रहेंगी विवी और उसका बदक, बाद में अपनी रॉबिन भी ज्वाइन कर लेगी। इनके ज्वाइन होने के बाद में हम सीधा जाएंगे स्काई आइलैंड के ऊपर, लेकिन वहां पर लूफी ने किसी को भी इन्वाइट नहीं करा था। तो हमारे नेक्स्ट क्रू मेंबर की तलाश में हम सीधा जाएंगे वाटर सेवन, जहाँ पर लूफी की मुलाकात होगी आइसबर्ग से। जहाँ पर लूफी आइसबर्ग को बोलेगा कि भाई तू भी मेरे क्रू को ज्वाइन कर ले। लेकिन यहाँ पर ही चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि लूफी तो आइसबर्ग को बोलेगा उसके क्रू को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन बात आएगी थाउजेंड सनी को बनाने की तो वो तो अपना फ्रैंकी बनाएगा। और लास्ट में जब लूफी के जाने की बारी आएंगी तब फ्रैंकी के घर वाले उसको भी लूफी के साथ में भेज देंगे, तो यहाँ पर फ्रैंकी भी लूफी के क्रू को ज्वाइन कर लेगा। फिर आगे चल के हम बढ़ेंगे थ्रिलर बार्क की ओर, जहाँ पर हमारी मुलाकात होगी ब्रुक से। ब्रुक से मुलाकात होने के बाद में हम उसके शैडो को वापस लेने के लिए पहुंचेंगे सीधा गेको मौर्या की तरफ, जहाँ पर थ्रिलर बार्क के अंदर लूफी दो और बंदों को अपने क्रू के ऊपर इन्वाइट करता है, जिनमें से एक है अपना जॉम्बी ट्री और दूसरा है अपना जॉम्बी यूनिकॉर्न। और ये दोनों भाई लूफी के क्रू के सबसे ज्यादा कम टाइम तक रहने वाले मेंबर्स बनेंगे, क्योंकि जब लूफी गेको मौर्या को हराएगा तब उनकी शैडो उनके ओनर के पास में वापस चली जाएगी। फिर उसके बाद में हम सीधा पहुंचेंगे साबावोडी पे, जहाँ पर भाई अपने कुमा भाई साहब हमको फिर से टेलीपोर्ट करा देंगे। लेकिन यहाँ पर अभी स्टोरी में बहुत बड़ा वाला एक चेंज रहेगा, क्योंकि एज जो है वो स्टार्टिंग से लेके हमारे साथ ही है। इसका मतलब वो ना ही कभी व्हाइट बियर्ड से मिला, ना ही कभी वो ब्लैक बियर्ड से मिला। तो इसके चलते अपना जो एज है वो लास्ट तक जिंदा रहेगा, क्योंकि मरीनफोर्ड वॉर वो तो कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ पर अपना व्हाइट बियर्ड भी जिंदा रहेगा और ना ही ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड के पावर्स को चोरी कर पाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर में जब व्हाइट बियर्ड मरने की कगार पे होगा तो ब्लैक बियर्ड अपनी चाल चल सकता है, तो शायद से उसी टाइम पर वो व्हाइट बियर्ड के पावर्स को चोरी कर लेगा। तो अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम है कि टाइम स्किप होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि टाइम स्किप होगा, या तो लूफी और उसका क्रू 2-3 साल की ट्रेनिंग से जाएगा, क्योंकि आगे चल के उनको पता चलेगा कि उनका क्रू काफी ज्यादा वीक है, इसलिए उनको ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। तो साबावोडी के ऊपर जब कुमा उनको अलग अलग आइलैंड के ऊपर टेलीपोर्ट करा देगा, और टाइम स्किप के बाद में वो लोग जाएंगे फिशमैन आइलैंड के ऊपर। फिशमैन आइलैंड के ऊपर जाने के बाद में वो लोग जिम्बे से नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस टाइम व्हाइट बियर्ड जिंदा रहेगा। इसका मतलब फिशमैन आइलैंड की टेरिटरी उसके अंदर ही आएगी। तो यहाँ पर जिम्बे आराम से अपने ओवरलॉर्ड की पदवी संभाल रहा होगा। या अगर हमको जिम्बे
फिशमैन आइलैंड के ऊपर देखने को मिलता है। तो लास्ट में जाके जिम्बे लुफी को अपना ब्लड देगा और लुफी के एक बार बोलती जिम्बे पहली बार में ही लुफी के क्रू को ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद में हम जाएंगे सीधा पंख हजार के ऊपर, जहाँ पर लुफी ने किनेमोन के लेग्स को इन्वाइट करा था। उसने लिटरली किनेमोन को नहीं बोला था, उसने किनेमोन के लेग्स को बोला था कि मेरे क्रू को ज्वाइन कर लो। लेकिन यहाँ पर बात किनेमोन के लेग्स की हो रही है, तो भाई किनेमोन के ठीक होने के बाद में वो भी क्रू को ज्वाइन कर सकता है। आगे चल के वो सेंटोर लेपर्ड मैन को भी अपने क्रू के ऊपर इन्वाइट करता है और अपने लेपर्ड मैन के ज्वाइन होने के बाद में ही अपना मोमो भी ज्वाइन ही कर लेगा। और जब लुफी काइडो को हरा देगा तब अपना मोमो और किनेमोन दोनों ऑफिशियली स्ट्रॉयड को ज्वाइन कर लेंगे और जो वानो की गद्दी है वो मोमो की बहन संभाल लेगी। आगे चल के हम जाएंगे डेसरोसा आर्क के अंदर, जहाँ पर कोई भी न्यू क्रू मेंबर ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पर अभी हमारी मुलाकात होगी हमारे पुराने वाले क्रू मेंबर से जो कि साबो रहेगा। साबो की इस टाइम तक मेमोरीज वापस आ जाएंगी और वो लुफी को ज्वाइन कर लेगा। लेकिन यहाँ पर अभी साबो रेवोल्यूशनरी आर्मी का भी मेंबर रहेगा और एक स्ट्रॉयड का भी मेंबर रहेगा। डेसरोसा आर्क के अंदर लुफी की एक बहुत बड़ी वाली ग्रैंड फ्लीट बनती है, उनको हम थोड़ा अलग ही रखेंगे। अगर उनको क्रू के अंदर इंक्लूड कर लिया तो भाई लुफी का क्रू काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ऐसी सिमिलर चीज हुई थी फॉक्सी के साथ में, जहाँ पर सारे के सारे फॉक्सी पायलट ने लुफी के क्रू को ज्वाइन कर लिया था। अगर उनको भी मैंने परमानेंटली उसके क्रू के अंदर इंक्लूड कर दिया तो वो काफी ज्यादा फनी हो जाएगा, क्योंकि रियल वन पीस के वर्ल्ड के अंदर लुफी ने उस वाले अलायंस को बस 3-4 मिनट के लिए रखा था, बाद में उसने सबको क्रू से बाहर निकाल दिया था। तो डेसरोसा के बाद में हम जाएंगे सीधा होल केक आइलैंड सागा के अंदर, जहाँ पर पूरे सागा के अंदर बस एक ही न्यू क्रू मेंबर ज्वाइन करेगा जो कि रहेंगी अपनी कैरट। और उसके ज्वाइन होने के बाद में हम सीधा जाएंगे वानो कुनी में, जहाँ पर दो न्यू मेंबर्स अपना वेट कर रहे होंगे जो कि रहेगी तामा और यामाटो। और हाँ, कैरबो भी ज्वाइन कर सकता है क्योंकि उसने फाइनल बैटल के टाइम पे लुफी को मीट खिलाया था। ऐसा देखा जाए तो भाई वही बंदा था जिसकी वजह से लुफी काइडो को हरा पाया था। और वानो के बाद में हम सीधा जाएंगे एगहेड के अंदर, जहाँ पर डॉक्टर वेगापंक या बोनी इन दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो देखा जाए तो ये वाली टाइमलाइन इतनी कुछ ज्यादा बुरी भी नहीं है, क्योंकि इस वाले टाइमलाइन के अंदर ये सपना जिंदा है और साबो भी अपनी साथी है, मतलब तीनों के तीनों मॉन्स्टर ट्रियो। हाँ, लेकिन इस वाले टाइमलाइन के अंदर अपना टोनी टोनी चॉपर हमारे साथ में नहीं रहेगा। तो होपफुली गाइज आपको ये वाली वीडियो पसंद आ गई होगी। तो चलो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।